अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो मैं बना रही हूँ गवार की भाजी। तो ये गवार है 1.25 किलो, और इसको मैंने इसमें टमाटर भी रखी हूँ जो टमाटर डालने वाली हूँ, और बारीक बारीक गवार को काटी हूँ। और ये कांदा है जो लंबे लंबे काट दी हूँ, और साथ में लूँगी कड़ी पत्ता बघार के लिए भी। और ज़ीरा ली हूँ 1 चम्मच, और साथ में हरी मिर्च को छोटा छोटा काट ली हूँ। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। चूल्हा ऑन कर दूँगी और कुकर रख दूँगी। कुकर को गर्म होने दूँगी और इसमें हल्दी और नमक लगेगा, और जो जो डालूँगी वो सब आगे आप लोगों को दिखेगा। और कुकर गर्म हो गया, इसमें मैं तेल डाल रही हूँ 3 चम्मच। तीन डोंगा है ये छोटा छोटा, और केतली को रख दूंगी जगह पर। और ये जो बघार का सामान है हमारा वो डालूंगी। सब में पहले ज़ीरा और कड़ी पत्ता 1-2 सेकेंड रुककर, फिर कांदा और हरी मिर्च डालेंगे। तो 1-2 सेकेंड रुकी मैंने, और उसके बाद में कांदा और हरी मिर्च को भी डाल दी। इसको अच्छे से हिला दूंगी। तो एक खट्टा सब उसको कर दूंगी हिला के तेल में, और ये सबको मैं अच्छे से धो के लाऊंगी। और टमाटर को बारीक काट दी मैंने लंबा लंबा। कांदे को हिला दूंगी, और साथ में सर्दी भी हो गई है, आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा बहुत ज़्यादा सर्दी हुई है। और ये धनिया भुक्की है 2 चम्मच, धनिया पाउडर ली हूँ। आधा चम्मच हल्दी ली हूँ, नमक ली हूँ, और गवार में पानी डाल के रखती हूँ, और कांदे को अच्छे से हिला रही हूँ। तो कांदा दिखा रही हूँ कि इतना हो गया है, कच्चा पक्के के ऊपर आ गया है। फिर से हिला रही हूँ और फिर से दिखा रही हूँ। तो इतना ही कांदा चाहिए हमको, हल्का हल्का ब्राउन होने लगे तब डाल दूँगी टमाटर। और ये जो मसाला डाली हूँ वो धनिया भुक्की और हल्दी की भुक्की यानी पाउडर मसाला जो भी है, और नमक, इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, हिला दूंगी। तो इसकी दूसरी टाइम मैंने अच्छे से हिलाई, और फिर हिला रही हूँ, और ये हो गया है, इसका टमाटर वगैरह सॉफ्ट हो गया, और ये भी हो गया अच्छे से। अब इसमें डाल दूँगी गवार। गवार डालकर भी मैं अच्छे से भूनूँगी उसको, और कुकर में थोड़ा जल्दी बन जाता है। जब भी जल्दी हो तो कुकर में थोड़ा सी पानी डालकर ऐसा 1 सीटी होने तक के करके बंद कर देने का, वरना ज़्यादा गल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और गवार दाल के अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ और हिला रही हूँ अच्छे से। और आज तबीयत बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है, चूल्हे को फास्ट कर दी हूँ मैंने, और इसको अच्छे से हिला रही हूँ, यानी भून लेना है अच्छे से। और इसमें 1 डोंगा ये पानी डाल दी मैंने, और 1 डोंगा पानी बहुत हो गया। अब इसको अच्छे से पानी में मिक्स कर रही हूँ, और ये नमक की खुशबू सूंघ रही हूँ,
तो नमक बराबर है और मैं इसको ढक्कन लगा के रख दूंगी और इसकी एक सीटी होने दूंगी। तो ये सीटी बज रही है, मैं बता रही हूँ, तो मुझे मालूम पड़ जाता है सीटी आने से पहले, मैं यही बोल रही थी। और सीटी हो गई है, अब मुझे इसकी हवा निकाल के चेक करना है कि बहुत ज़्यादा ऐसा गलावा नहीं दिखाना है। तो इसका पानी भी सूख गया है, इसको अच्छे से देख लूँगी और जो भी पानी है उसको मैं सुखा लूँगी, बाकी पानी है ही नहीं, फिर भी थोड़ा सी भून लूँगी। तो ये गल गया है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सब में हाथ नहीं डालूँगी ऐसा बोल रही हूँ, एक सिर्फ टुकड़ा मैंने डाल दी गवार का और उसको ही चेक करूँगी ऐसा। तो इसको मैंने अच्छे से भून ली हूँ, तो दिखा रही हूँ भाजी आप लोगों को। और फिर से कुकर का ढक्कन लगा दूँगी और ये भाजी रेडी हो गई है। आप लोगों को कैसी लगी मेरी भाजी की रेसिपी ज़रूर बताना। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।